नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लेकर आए हैं सीबी में निकली भर्ती के बारे में। सीबी में भर्ती निकली है यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में भर्ती निकली है, और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो जो कि सीबी में हो रही है। तो देखा जाए तो ये जो वैकेंसी है वेरियस ग्रेड ए पोस्ट के लिए हो रही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम बैचलर्स डिग्री पास होना जरूरी है, और रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है, यानी सिलेक्ट होने पे आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में कहां पर भी हो सकती है। पोस्ट का नाम है ग्रेड ए पोस्ट, यानी आपको जो ग्रेड ए के अंदर जो भी पोस्ट आते हैं उन पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है यहाँ पर अच्छी खासी है, जो कि 120 वैकेंसीज है। पे स्केल ऑल ओवर इंडिया के जो उम्मीदवार उनको मिलेगी 28,150 रुपीज से 55,600 रुपीज तक। ग्रेड पे एज पर रूल्स है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के आधार पर आपको यहाँ पर ग्रेड पे मिलेगा। बैचलर्स डिग्री आपको प्राप्त होना जरूरी है, और एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 30 साल के बीच के जो उम्मीदवार है इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना शुरू कभी से हो रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, 15/9 यानी 15 सितंबर से अप्लाई करना शुरू हो जाएगा, और अधिकतम आप 25/9/2018 यानी 25 तारीख तक अप्लाई कर सकते हो, और 25 तारीख के बाद यानी सितंबर की 25 तारीख के बाद आपका एप्लीकेशन स्वीकारा नहीं जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छी वैकेंसी है और 25 सितंबर तक आपके पास टाइम है। तो जो भी हमारे उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और अब हम जाएंगे कि पीडीएफ में क्या जानकारी हमें मिल रही है। तो जैसे आप इस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट का जो पेज है ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आप क्लिक हियर पे क्लिक कर ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स यदि अप्लाई करना चाहते हैं जनरल या लीगल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोस्ट में, तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है यहाँ पर 84 है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन अप्लाई करने के लिए मास्टर्स डिग्री इन डिसिप्लिन और बैचलर्स डिग्री इन लॉ, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड कॉस्ट एंड वर्किंग अकाउंटेंट आपको किया होना जरूरी है। बैचलर्स डिग्री इन लॉ किए हुए उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राप्त उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन प्राप्त उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जैसे हमने कहा कि अधिकतम 30 साल के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, और प्रोबेशन पीरियड जो है 2 साल का होने वाला है। यहाँ पर पे बैंड आपको यहाँ पर अच्छा खासा मिल जाएगा जो कि 28,000 से अधिक है, और अलाउंस भी है बहुत सारे, जैसे कि हाउस अलाउंस है, लीव फेयर कंसेशन है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, फाइनेंशियल डायलिस, बुक ग्रांट है, ब्रीफकेस, आई रिफ्रैक्शन है, ऐसे बहुत से आपको अलाउंस है और जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। अकोमोडेशन एंड पोस्टिंग के बारे में यहाँ पर आप जानकारी देख सकते हो। रेसिडेंशियल अकोमोडेशन शैल बी प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, यानी अवेलेबिलिटी के आधार पर आपको रेसिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ऑफिसेस में भी पोस्टेड एंड ट्रांसफर टू एनी लोकेशन इन इंडिया, यानी जैसे हमने कहा कि ऑल ओवर इंडिया में कहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। एग्जाम सेंटर जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन है आपकी यहाँ पर होगी, और ऑल ओवर इंडिया में कहाँ पर भी आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हो सकते हैं यहाँ पर। एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पर भरने है जो कि 850 रुपीज है, एस एन एप्लीकेशन फी कम इंटीमिडेशन फी। और ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए जो एप्लीकेशन फी है जैसे हमने कहा 850 रुपीज है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये फी है, यानी 100 रुपीज है जिसे आपको भरना है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अरेंज की जा रही है, और वो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और न्यू दिल्ली के सेंटर्स में होगी, ये आप जान लीजिएगा। ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट जो है सीबी की यहाँ पर, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड की, यहाँ पर आकर आप इस पोस्ट को अप्लाई कर आपका एप्लीकेशन निश्चित कर सकते हो। और ऐसे जॉब्स की जानकारी पाते रहना है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ही आपको जॉब्स के जो अपडेट्स है तुरंत आएंगे, वरना आपको जॉब्स के अपडेट्स नहीं आएंगे और आप लेटेस्ट वैकेंसी से वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपके साथ ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।